उसको रैग क्यों स्पेसिफिकली बोला है? रैग इज लाइक उनको नेचर में रॉक से लेके सब कुछ, पत्थर से लेके बाकी कुछ भी हो तो भी उनको सब कुछ अच्छा लगता है, तो इसलिए उनको वो वर्ड दिया है रैग फिलोसोफर। और फिलोसोफी क्योंकि उनको सच में वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, नॉलेज उनकी वीकनेस है कल्पना की, उनको जिस जिस फील्ड का नॉलेज मिले उनको वो चाहिए, तो इतना नॉलेज वो ग्रास्प करते हैं हर एक चीज़ का, मेडिकली हो या बाकी किसी भी चीज़ का हो, उनको रीडिंग बहुत पसंद है। सल्फर आर द बेस्ट पोएटिक्स, दे आर द बेस्ट ऑथर्स, दे आर द बेस्ट डांसर्स, मतलब हर आर्ट से रिलेटेड वो सब कुछ इंजॉय करते हैं, हर आर्ट उनको पसंद है। मतलब जो मराठीत रसिक म्हणतात ना ते तसे असतात सल्फर्स, सो वो सब कुछ इंजॉय करते हैं। एन्जॉयमेंट ये इनकी थीम है, एन्जॉयमेंट, फिर वो ड्रिंकिंग में हो विस्की वाइन सब कुछ उनको पसंद है, पार्टी करनी हो डांस म्यूजिक सब उनको पसंद है, एन्जॉयमेंट हॉटलिंग हो पार्टी करना हो, मतलब ये सब चीज़ें वो एन्जॉय करते हैं। लाइफ कैसे एन्जॉय करते हैं वो उनसे सीखना, और हमेशा उनका सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होता है एन्जॉयमेंट डिज़ायर, ये उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है। ये लोग इतने नॉलेजेबल होते हैं कि वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ रीड करना उनको पसंद है, पोएम्स लिखना उनको पसंद है, राइटिंग करना उनको पसंद है, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहेंगे और हमेशा कुछ ना कुछ तो नया सीखते रहेंगे। लेकिन इसका फिर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, नॉलेज ज़्यादा होने के बाद इंसान में क्या होता है, क्या होता है उसका साइड इफेक्ट, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, तो वो नॉलेज की वजह से उनमें उतना नॉलेज होता है और इसकी वजह से उनके एक ईगो आ जाती है कि आई एम द ग्रेट पर्सन, मतलब मुझे सब कुछ आता है, आई एम ग्रेट, तो इसलिए वो हमेशा चाहते हैं कि लोग उनको उसी हिसाब से रिस्पेक्ट भी करें, और किसी ने उनको वैसे रिस्पेक्ट नहीं दिया, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि फैमिली में तो हमेशा घर में होता है तो किसी को उसकी वैल्यू नहीं होती वैसे ही, तो फैमिली उनको वो उतना रिस्पेक्ट नहीं देती, तो वो तुरंत फैमिली से डिस्टर्ब हो जाता है। तो सल्फर का मेन ये मिनरल है, इसकी वजह से रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स होते हैं, सो ऑलवेज देयर इज अ प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप, इनको वो लाभ नहीं मिलता है, तो ये इनका प्रॉब्लम है, हमेशा इनको वो प्यार चाहिए। ये फैमिली ओरिएंटेड पीपल है तो हमेशा फैमिली में रहना चाहते, लेकिन फैमिली में वो सब कुछ उनको मिलना चाहिए, तो हमेशा सल्फर आपको ऐसे दिखेंगे घर में एकदम अच्छा है तो बाहर एकदम डिफरेंट है, या बाहर एकदम अच्छा है तो घर में एकदम डिफरेंट है। सल्फर सर ने जो दिया है प्रिस्क्राइब बहुत सारे केसेस में, एक तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो कभी भी टाइडी नहीं रहेंगे, मतलब कभी आयरन क्लोज नहीं रहेंगे, बिखरे हुए बाल रहेंगे, इवन स्पेक्स में भी थम्स के इम्प्रेशन रहेंगे, ये इज टोटली दे आर इनडिफरेंट अबाउट देयर लुक। क्यों होता है, सल्फर ये एक ऐसा मिनरल है जो ब्यूटी में यूज़ किया जाता है, सल्फर से बहुत सारी चीज़ें ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती है, तो उसका काम है ग्रेसफुल करना स्किन को, वही काम होम्योपैथी के एंगल से अगर देखें तो पेशेंट को हमेशा वो फीलिंग रहती है डिसग्रेसफुल, उनको हमेशा लगता है कि कुछ तो कमी है, कुछ तो अनअट्रैक्टिव है मुझ में, वो बहुत सेंसिटिव रहता है खुद के लुक से लेके, और इसलिए हमेशा इनमें स्किन कंप्लेंट ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा भी कुछ भी हुआ तो वो डिसग्रेस फीलिंग करना उन्हें कॉमन होता है। देन सल्फर, जैसे मैंने बताया कि ये फिलोसोफर्स है, तो फिलोसोफर्स लोग कैसे दिखते हैं, हमेशा कुछ इमेजिनेशन कैसे होते हैं फिलोसोफर्स, और इतना सारा नॉलेज है, दिन भर वो पढ़ रहे हैं फिलोसॉफी में है, तो वो कैसे रहेंगे, इट्स नॉट अवर लुक, दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट समथिंग, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ तो फिलोसॉफी रहेगी, अच्छा ये ऐसा है तो वो वैसा है, तो वो वैसा है तो ये ऐसा है, ये मेडिकली इसका ये है तो मुझे ये भी हो सकता है डिजीज, मुझे वो भी हो सकता है, थोड़ा सा भी गूगल कर लिया तो उनको वो भी उसके बारे में सोचेंगे, कंटिन्यूसली वो हमेशा थॉट में रहता है, क्योंकि नॉलेज उनका वीक पॉइंट है, तो नॉलेज भी उनको चाहिए और कंटिन्यूसली थिंकिंग, तो ये थिंकिंग के बाद ही तो फिलोसॉफी उनकी बाहर निकलती है, तो ये फिलोसॉफी की वजह से हमेशा वो लोग बियर्ड में आपको दिखेंगे, बियर्ड में भी स्पेसिफिक इसकी क्वालिटी है। अमिताभ बच्चन की बियर्ड पता है कैसी है, इज देयर एनी सम यूनिक क्वालिटी कुछ पता है, उसके बाल ब्लैक है, एक्चुअली वो उसको हेयर फॉल है उसकी वजह से वो वीक ही पहनता है, बट उसकी बियर्ड जो है वाइट है, ये लोग हमेशा वाइट बियर्ड रखते हैं, तो
व्हाइट क्लोथिंग इनको बहुत पसंद है, ये लोग हमेशा पॉलिटिशियन ज़्यादा करते हैं क्योंकि दे आर वेरी सोशल, दे आर वेरी जॉली, जस्टिंग, दे आर सिंपथेटिक, सो इनको सोशली काम करना पसंद है, उनको वो सोशली ईगो भी बूस्ट हो ही जाता है, तो वो भी उनको पसंद है, तो इसकी वजह से ये हमेशा एक तो एकदम अपोजिट, बिल्कुल खुद के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, नहाएंगे भी नहीं, कुछ नहीं, टोटल इंडिफरेंट, या फिर बहुत आयरन, बहुत नीटनेस, वाइट कपड़े, एकदम वाइट बियर्ड, ये ऐसा लोग एकदम फैसिडियस भी होंगे फल पर, या एकदम मतलब खराब भी होंगे, डर्टी भी होंगे। वैसे ही माइंड लेवल पे सल्फर कैन बी गिवन इन मेंटली रिटार्डेड पेशेंट आल्सो। तो माइंड लेवल पे ये लोग फिलोसॉफिकल है, नॉलेज उनको पसंद है, तो उतने वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, उतना ही अपोजिट ये लोग मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं क्योंकि वीकनेस ऑफ मेमोरी भी इनमें देखी जाती है, सो उससे रिलेटेड कंप्लेंट भी इसमें होता है। सल्फर्स के बहुत सारे शेड्स हैं, सल्फर फैसिडियस, सल्फर जो है वो खराब रूप में, देन सल्फर एकदम इंटेलेक्चुअली गुड, तो सल्फर एकदम अपोजिट मेंटल रिटार्डेड में। सल्फर में ये भी अपोजिट है कि सल्फर्स को स्वीट डिजायर होते हैं एंड वो ही एवर्जन ऑफ स्वीट में भी सल्फर आता है, तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी इसमें सिम्टम्स है। ये भी उनमें है कि घर पर वो अलग दिखाते हैं, बाहर वो अलग होते हैं, घर पर वो वर्कहोलिक टाइडी है तो ऑफिस में वैसे नहीं दिखते, ये भी उनमें डिफरेंस होता है। देर आर सो मैनी शेड्स ऑफ सल्फर, और ये सर ने खुद के इतने एक्सपीरियंस से निकाला है, हर एक सल्फर की केस आपको सर की अलग एंगल से देखेंगे तो अलग ही दिखेगी, हमेशा उसमें कुछ तो नया दिखेगा ही। इवन बुक्स में भी जो सल्फर के केसेस है, हर एक केस यूनिक है, हमेशा आप उसमें से कुछ नया सल्फर सीखोगे, सल्फर का नया शेड सीखोगे। देर आर एन नंबर्स ऑफ शेड्स ऑफ सल्फर, मैंने पीजी लंदन में इसके ऊपर ही थीसिस बनाया, सल्फर मेरा फेवरेट था सल्फर। तो सल्फर इज लाइक, इवन मैंने इसमें पढ़ा था कि हैनिमैन इज ऑल्सो सल्फर, क्योंकि इसने इतनी सारी फिलोसॉफी थिंकिंग करके सब कुछ निकाला। जितने ही एक्टिव रहते हैं, जितने ही इंटेलेक्चुअल रहते हैं, उतना ही वो थिंकिंग की वजह से, ब्रेन इतना ज़्यादा अफेक्ट होने की वजह से वो बहुत स्लो रहता है, कुछ भी एक चीज़ उनको बोला तो वो बहुत स्लोली करते हैं काम, तो वो स्लोनेस उनमें हमेशा दिखती है, एंड वो ब्रेन फैट की वजह से हमेशा वो लोग एक ओल्ड एज में, मतलब फिलोसॉफिकल इसमें अगर आप देखो तो एक फिलोसोफर कैसा रहेगा, वैसे थके हुए या बूढ़े, ओल्ड एज वाला फीलिंग उनमें आएगा, हमेशा स्टूप शोल्डर्स, हमेशा चलते टाइम पे भी स्टूपिंग उनमें कॉमन होता है। स्टैंडिंग, ये कीनोट है सल्फर का, स्टैंडिंग इज मोस्ट एग्रेवेटिंग सिम्टम, वो स्टैंडिंग इनको बिल्कुल सही नहीं होता। ये क्यों होता है, उनका वैस्क्यूलर जो सिस्टम है उसमें उनमें डिफेक्ट है, वैस्क्यूलर सिस्टम में डिफेक्ट होने की वजह से इनमें क्या बोल रहे हो, म्यूकस मेम्ब्रेन के यहाँ पे कंजेशन हो जाता है, तो जो ऑरिफिसेस है वो आपको रेड दिखेंगे, एंड इवन स्टैंडिंग से वेकोस वेंस का फ्लो डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से भी उनको स्टैंडिंग एग्रेवेशन है। देन सल्फर डायटिकली देखो तो सल्फर सब चीज़ों में है, ऑल वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स ऑल्सो कंटेन सल्फर, तो ये ईच एंड एवरीवेयर आपको डायनामिकली नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको रोज़ खाने में सल्फर आता ही है, इतना ये मिनरल कॉमन है और सब जगह पे है, तो इसलिए सल्फर इज लाइक सोरा से ही स्टार्ट होता है, आपको हर जगह पे दिखेगा एंड हर एक पेशेंट में भी सल्फर का शेड दिखेगा, क्योंकि ये नेचुरली आपको डाइट में आ ही रहा है। और यस, सबसे इम्पोर्टेंट सप्रेशन, ये इनमें बहुत कॉमन है, कोई भी डिजीज बार बार इनको होता है, बार बार होने के बाद उसको सप्रेस करने के बाद मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट स्टार्ट होते हैं। देन दे पेशेंट तो ये सीरियस रहेंगे या बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहेंगे, सो मोस्टली लोफर्स जो रहते हैं, आराम से घूमना, कुछ काम धंधा है नहीं, वैसे भी आप सल्फर्स शेड दिखेंगे। फिर सल्फर्स आपको सल्फर का एक है, ये लोग अगर एम्बिशियस है तो बिजनेस में बहुत नाम कमाते हैं, तो एवरी बिजनेस मैन सल्फर कवर करता है, इनको बिजनेस बहुत पसंद है, बिजनेस से रिलेटेड एंजाइटी उनमें होती है, ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं और इनको वो नेचुरली बिजनेस करने का टैलेंट इनमें होता है, एंड इवन बिजनेस लॉस में भी सल्फर आप देख सकते हो, क्योंकि बिजनेस ये इनका की पॉइंट है। और ये लोग पॉजिटिव होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, सोशली बहुत एक्टिव होते हैं,
इनको ऑल टाइप ऑफ एंजॉयमेंट पसंद है, तो अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, सब कुछ अच्छा अच्छा उनको चाहिए, और दुनिया में जो जो एंजॉयमेंट है वो सब ये करते हैं। तो एंजॉयमेंट डिजायर में ये सब मोस्टली मार्क है। देन दीज पीपल आर ऑनेस्ट, सिंपैथेटिक, फैमिली ओरिएंटेड है वो, और फैमिली में ही अगर किसी ने उसको क्रिटिसाइज कर दिया तो फिर वो रिलेशन उनका डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ये इनका सबसे वीक पॉइंट बन जाता है। सल्फर मोस्टली आप देखेंगे तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम तो भी सल्फर आएगा, या फिर घर से किसी के साथ अनबन हो रही है तो भी सल्फर आएगा। शॉर्टन अगर आपने पढ़ा है तो ये थीम उसमें आती है सल्फर की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मूड, मूड क्या कवर करता है, किसके साथ रिलेशन कवर करता है, मदर के साथ। वैसे ही सल्फर इज विद ऑल फैमिली मेम्बर्स, उसके साथ मोस्टली लव रिलेशन। तो जिससे जिससे उनको लव मिलता है उनके साथ अगर रिलेशन डिस्टर्ब हो गए तो ये लोग बीमार हो जाता है, तो वो उनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। अच्छा, सल्फर क्लिनिकली वॉइस कवर करता है, ब्रेन कंपेंस कवर करता है, एनीमिया, अस्थमा, कफ, प्लूरिसी, डायरिया, डिसेंट्री, आई कंप्लेन, एक्जिमा, थ्रोट एंड लंग अफेक्शन, एपिलेप्सी, गाउट, पाइल्स, लीवर, मेंसेस एंड प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स, ये सब ये कवर करता है। तो इसमें कोई भी स्पेसिफिक मायाजम नहीं आएगा, सिर्फ सोरिक सिम्टम नहीं है ये, एन नंबर ऑफ सिम्टम्स है, एन नंबर ऑफ पैथोलॉजी है, तो इसमें सब मायाजम कवर होता है। एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, ये इनमें कॉमन है क्योंकि इनका ईगो इतना ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भी किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ इंसल्ट हो गया तो ये सहन नहीं कर पाते। देन कंजेशन ऑफ सिंगल पार्ट, जैसे मैंने बताया था इनमें प्रॉब्लम ये है कि इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्कुलेशन होता है बॉडी में, तो जिसकी वजह से कुछ पार्ट रेडनेस लगेंगे, कुछ पार्ट कंजेशन लगेंगे, ये इसमें मार्क है। डिस्चार्जेस, इनके पर्टिकुलर डिस्चार्जेस ऑफेंसिव तो रहते हैं, इसके साथ एक्टिड भी डिस्चार्ज है, दैट्स व्हाई बर्निंग इज देयर। सो बर्निंग ये इनका मेन सिम्टम है। बर्निंग की ट्राइब में और कौन से आते हैं, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, क्या डिफरेंस है। सल्फर हॉट है तो इसकी बर्निंग वार्मथ ऑफ बेड हीट इससे एग्रेवेट होती है। फॉस्फोरस चिली है तो फॉस्फोरस की बर्निंग मोस्टली ट्यूबरकुलर मायाजम ज़्यादा कवर करता है फॉस्फोरस, तो एग्रेवेशन इवनिंग होता है बर्निंग का उसका। एंड फॉस्फोरस ट्यूबरकुलर मायाजम के होने की वजह से नर्व डिजनरेशन रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें ही उसमें बर्निंग दिखती है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वगैरह उस सिम्टम में उसमें बर्निंग रहेगी। तो फॉस्फोरस कवर करता है बर्निंग, बट दैट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम, बर्निंग इन स्पॉट ये ऐसे कवर करेगा फॉस्फोरस, जो सल्फर का वैसे नहीं है। सल्फर ईच एंड एवरी ऑर्गन का बर्निंग कवर करता है। सेम आर्सेनिक, आर्सेनिक में कैसी होती है बर्निंग, आर्सेनिक में भी बर्निंग कवर करता है, लेकिन इसका एग्रेवेशन टाइम जो है वो मिड डे या मिड नाइट है, ये इसकी स्पेसिफिक है, और इसको बर्निंग बेटर बाय हीट है जो सल्फर के अपोजिट है। तो इसका एग्रेवेशन टाइम और बर्निंग का जो ये स्पेसिफिक मैंने बताया उसकी वजह से वो डिफर करते हैं, और ये चिली है, ये इसमें डिफरेंस है। और कुछ, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन, स्पेशली एट 11 AM, तो 11 AM एग्रेवेशन में सल्फर हमेशा देखा जाता है। देयर इज फीलिंग ऑफ एम्प्टी, पेट में कुछ है ही नहीं ऐसा लगता है। दे कांट टॉलरेट हंगर, तो 11 बजे उनको भूख लगती, मतलब लगती ही है। स्लीप भी ऐसा इनका डिस्टर्ब है, जैसे नक्सकॉमिका का होता है रात भर जगे रहते हैं, वैसे ही सल्फर का है, ये लोगों की स्लीप प्रॉपर नहीं होती है। सुबह उठने के बाद अनरिफ्रेशिंग लगता है क्योंकि रात भर ये जगे रहता है, फिर दिन भर ये सोने की कोशिश करते हैं, तो दिन भर दे आर ड्राउजी, रात में फिर इनको नींद नहीं आती है। एंड और एक सिम्टम इम्पॉर्टेंट, जैसे ही उठते हैं वैसे तुरंत इनको टॉयलेट के लिए भागना पड़ता है, एक सफर का इम्पोर्टेंट सिम्टम है। यस, और एलिमेंट फॉर्म में इसमें आएगा, ये लोगों को एंजॉयमेंट डिजायर की वजह